हेलो गाइस, आज बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी। और ऐसी सब्जी आपने कभी देखी नहीं होगी, बेसन भी आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। ऐसा बेसन है, सब्जी नहीं मतलब बेसन मंगा। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच, इससे स्वास्थ्य स्वाद, हाँ स्वाद एकदम खिलके आएगा, एकदम तंगड़ा आएगा, बहुत बहुत ही जिसका कोई मैच नहीं, कैच का कोई मैच नहीं, जैसे वो डायलॉग होता है वो वाला। इसे आप देख रहे हैं, इसे हम जूम करके आपको दिखाएंगे, देखिए उसी में घुस जाएंगे, मगर अब इसको माइनस करेंगे। अभी हम लोग फोन नहीं मिला नहीं, आप ऐसे ऐसे करके मार सकते हैं, मार कह सकते हैं इसको, क्या करना। हाँ देखिए गाइस, इसको मारना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे इसके वो बनाने हैं, क्या बोलते हैं, गुच्छे, गुच्छे नहीं, डेले डेले बनाने, डेले, हाँ डेले बनाएंगे हम लोग इसके। फिर इनसे वो नहीं खेलते हैं ऐसे ऐसे उल्ला उल्ला के, ऐसे ऐसे करके वही उल्ला उल्ला के हम लोग खेलेंगे गिट्टी इनसे, वही वाला गेम। बस ऐसे ही करना, आज बेसन की सब्जी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बहुत दिन से खा खा के मूड खराब हो गया है। एक ही सब्जी, आप भी 1 हफ्ते तक आलू, 1 हफ्ते क्यों, 1 महीने तक आप आलू मटर टमाटर खाइए, आपका आलू मटर टमाटर से एकदम मन उठ जाएगा। सुबह आलू मटर टमाटर और शाम को प्याज आलू, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। इतनी बुरी सब्जी लगने लगी है। देखिएगा इस, अब ये बन गई हैं इसकी गांठें, अब इसको करेंगे फ्राई, और जब फ्राई करेंगे तब आपको दिखाएंगे। चलिए चालू हो गई। हाँ तो हम अब ये डालने वाले हैं इसमें फ्राई करने के लिए, और ये देखिए छिट्टा भी मार सकता है मगर देखेंगे। सरसों के तेल में डाला है फ्राई करने के लिए, ऐसे इसका पता नहीं कैसा कलर आ रहा होगा। फिर फ्राई करना है, ये देख रहे हैं आप, इसको हम हल्का सा आपको जूम करके दिखाते हैं, धीमी आंच पे फ्राई करना है इसको, धीमी आंच, ऐसी धीमी आंच। क्या करना था, बस इतना ही करना था, अब जो भी है सो यही है। देखिए ऐसा ऐसा फ्राई होने लगेगा, लाल लाल, पता नहीं इसमें कलर क्यों नहीं आ रहे पूरे। ठीक है बवाल है, ऊपर करो तो कलर आ जाते, नीचे कर दो तो कलर चले जाते। EMI का नया फीचर है, देखिए ऐसा फीचर आपने कहीं नहीं देखा होगा। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। देखिए गाइस लाल हो गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा रेड रेड, ऐसा ही हो गया लाल लाल सा। अब इसको बाहर निकाल लेंगे, अब इसमें थोड़ा हींग डालेंगे,
और प्याज पीस के रखा है। पहले जीरा डालेंगे, प्याज तो बाद में डालेंगे। अब डालेंगे प्याज, थोड़ा दूर हट जाए क्योंकि तो पिछली बार की तरह ये छक्का मारेगा। एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ खाई, बीच में बन गई सब्जी हमारी। ये राइमिंग तो हुई नहीं। एक तरफ कुआ बीच में खाई, नहीं एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में हमारी सब्जी बनाई। और हम लोगों ने प्याज डाल दिया है, अब इसको चलाएंगे, भुनने के लिए रखेंगे। जब भुन जाएगा तब सब्जी बनाएंगे। तुम समझ गए डोरीमोन? और इसमें डालेंगे पिसा हुआ टमाटर की प्यूरी। देखिए डाल दी, लाल लाल नहीं लग रही होगी। प्याज और टमाटर भुन गया है, अब इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। दिख रहा हो आप, एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच पिसा धनिया और एक चम्मच लाल मिर्च। और फिर इसको चलाएंगे। एकदम क्रिस्पी सा स्वाद आए, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। क्या रसा वाली हुई है कि सूखी हुई है? अच्छा तो मज़ा आएगा, क्योंकि सूखी सब्जी ना मेरे गले में अटक जाती है, तो उसके लिए कुछ तरल पदार्थ चाहिए होता है। अब इसे पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। पानी लेके आए हैं, एलविश, एलविश का वाटर है, एलविश।
जैसे आप हाथ ऐसे निकालते तो इसका फोटल फोकस नहीं फोकस टिकट जाता है जी। बताओ कैसी लगी है सब्जी खाने में? मैंने पहले कभी खाई नहीं, लग तो बिल्कुल वो जो नहीं कचौड़ी के संग आलू की सब्जी मिलती है, बिल्कुल लग तो वैसी ही रही। पानी पानी डालती है इसमें। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, बन जाएगी। तब आखिरी लुक में फोटो खींचना जरूरी है। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक चलो काम चला लेंगे, नहीं होंगे तो अभी काम चल जाएगा, मैं सब्सक्राइब कर देना एकदम तंगड़ा वाला।